एक मिनट आलमगीर पीछे लाइन से खड़ा होने जरा है पीछे सर आलमगीर का भाई वहाँ बैठे मैं पीछे सर थोड़ा सा मैं आ गया आप फुल तो तीन तीन बंदे सदर वीडियो कर रहे हो इधर खुशाम देव कहते हैं जाहिद हुसैन रिंग साहब म्यूनिसिपल لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم کہتے ہیں دسا کو ڈیر خسڑے دے
इसका मतलब उर्दू में कि साहब जो है वो बहुत अच्छे आदमी है, तो मैं उस माली की जबान में कहूंगा अखैर रागले, दावत खिताब दूंगा ताजरीम साहब को। मोहम्मद वबारक वसलम वसलोले, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर आसिम हुसैन साहब का, चेयरमैन जियाउद्दीन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के, चांसलर जियाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उस्ताद मसूर अहसन का, हमारे तमाम एम्प्लॉज़ का, हमारे मीडिया पर्सन का, जिन जिन लोगों ने इस महफूल को सजाने में हमारा साथ दिया, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला। हमारी जो बल्दिया बस्ती है उसकी आप दोहरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे आई, और थ्रू आउट ये जो 7-8 महीने का टेन्योर है इसमें हम कांस्टेंट गाइडेंस देते रहे डॉक्टर आसिम से भी, चाहे वो सिर्फ DMC सेंट्रल के मामला हों या किसी और डिपार्टमेंट के साथ मामला हों, तो उसमें हमेशा हमें सपोर्ट रही, और उसी का नतीजा है कि हमने बहुत सारी चीज़ें अचीव किए हैं और इंशाल्लाह हम और भी करेंगे। सर थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस एंड सपोर्ट थ्रू आउट एंड मेकिंग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल टू शाइन एडवांस मोर, एंड इंशाल्लाह वी विल वर्क अंडर योर गाइडेंस एंड लीडरशिप। बारिशें इस बार जब से शुरू हुई तभी हमारा जून से मानसून शुरू हुआ उसमें ठीक ठाक हमें प्रॉब्लम फेस आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ने अपने खुद फंड से 20 करोड़ से ज़्यादा के काम कराना शुरू किए, बल्कि हमारी बेहतरीन कोऑर्डिनेशन देखने को मिली, चाहे वो KMC हो, KD हो, मेगा प्रोजेक्ट हो, और उसी का नतीजा है कि इस वक्त हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हद तक रिस्टोर हो गया, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो कि टोटल मिला के कोई 11 अरब रुपये के बनते हैं सिंध गवर्नमेंट से हमें मिले, और उसका क्रेडिट भी डॉक्टर आसिम को जाता है जो खुद गए और CM से आके रिक्वेस्ट की और हमें उस फांसी चीज़ें मिली। बहुत ज़रूरी है DMC तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे हमारे पास 8,000 के से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं कि हमारा डेटा पूरा कंप्यूटराइज हो, हमारे पास पोर्टल्स मौजूद हो, हमारे पास वेबसाइट हो, और अल्हम्दुलिल्लाह इन 6 महीनों में हमने सारी चीज़ें अचीव की हैं। इस वक्त हमारा जो भी अकाउंटिंग होती थी आज से 1 महीने पहले 2 महीने पहले वो सारी हाथ के ज़रिए होती थी और पुराने अकाउंटिंग मेथड्स पर होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब P3 की इंस्टॉलेशन हो रही है तो उससे बहुत सारे मसले हमारे हल हो जाएंगे, एम्प्लॉयज़ की डुप्लीकेशन हल हो जाएगी और सारी चीज़ें स्ट्रीम लाइन हो जाएंगी। टैक्स कलेक्शन का निज़ाम जिसके अंदर ठीक ठाक पोटेंशियल है और DMC पोटेंशियल से कम ही कलेक्ट करती है, और जब तक हम टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे तब तक ना हम डेवलपमेंट कर सकते हैं ना हम अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट दे सकते हैं, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पोर्टल के थ्रू अब हो रहा है और उसके अंदर भी जिद्दत आती जा रही है, जिसके अंदर 1 लिंक ऑपरेशन और बहुत सारी चीज़ें उसमें आ रही हैं। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पूरे ज़िले की वो बन चुकी है, इंशाल्लाह वो भी हम लॉन्च कर देंगे, वो पूरी रेडी है, उसके अंदर हर तरह की इंफॉर्मेशन चाहे वो DC ऑफिस हो, चाहे वो DMC हो, चाहे वो पुलिस हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो सब एक जगह मौजूद होगी और ये इनिशिएटिव भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। हमने 100 पार्ट्स का इनिशिएटिव लिया था कि हमारे पास पार्ट्स हो ना हो, हमने इन 100 पार्ट्स को बहाल करना है किसी भी तरीके से, और उसके अंदर आप लोगों को जान के खुशी होगी कि 35 पार्ट्स ऐसे हैं, ग्रीन बेल्ट ऐसे हैं जो ऑलरेडी हम इनॉग्रेट कर चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 15 से ज़्यादा ऐसे हैं जो रेडी हैं बिल्कुल, तो 50 तक हम पहुंच चुके हैं, और हमें कोई खास गवर्नमेंट के फंड्स वगैरह से हमने मुबर्राओं के काम किया जिसके अंदर सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व किया और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को मिल के हमने काम किया, बागबान कम्यूनिटी बनाई। आज की मीटिंग, आज की जो हमारी गैदरिंग है, इसका मेन मकसद कुछ एम्प्लॉयज़ के लिए जो हमने खुशखबरियाँ जमा करके रखी हैं, कुछ DMC के लिए रखी हैं वो है, और वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, मैं चाहूंगा कि डॉक्टर आसिम खुद इसका अनाउंसमेंट करें, और लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि हम इस ट्रैक पे हैं कि एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर को हम प्रायोरिटाइज़ करें, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो उनकी सैलरीज के मामला हो, चाहे वो लाइबिलिटीज़ के हों, तो इंशाल्लाह उसमें भी आपको डिटेल अभी डॉक्टर आसिम खुद अनाउंस करेंगे। हमने जुलाई से लेके 1 जुलाई 2021 से लेके 30 जून 2022 तक जो भी कारकर्दगी ज़िला बस्ती के अंदर हुई है उसकी एक रिपोर्ट बनाई है, जो कि जब इंशाल्लाह डॉक्टर आसिम अपनी स्टेज पे आएंगे तो उनको प्रेजेंट करेंगे और आप लोगों को मीडिया भाई लोगों को भी देंगे कि जो जो हमारे अचीवमेंट थे, चाहे वो एंटी इन्फ्रोचमेंट थी, चाहे वो प्राइस कंट्रोल था, चाहे वो एंटी क्वालिटी थी, जो भी था वो सारे इसमें मौजूद है, इंशाल्लाह वो आपको मिल जाएगा। मैं दोबारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें इज्जत बख्शी, और इंशाल्लाह अगर इसी तरीके से नेक नई दिशा हम काम करते रहे तो वो और दूर नहीं कि DMC सेंट्रल पूरे कराची की, और जब ये बल्दियात बन जाएंगे तो बेहतरीन ज़िले को बनाने में बेहतरीन किरदार अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
मूड नहीं आ रहा है। फुल बैक बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर मिस्टर तहार सलीम, मिस्टर मसरूर एहसन प्रेसिडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, all the employees working in district central, and ladies and gentlemen, it is a pleasure for me to be here this evening amongst you and share these moments. Khawateen o hazrat, Pakistan People's Party ek masawati party hai, उसका बेसिक ethos, उसकी थीम, उसकी सोच प्रोग्रेसिव है, और वो प्रोग्रेसिव सोच प्रोग्रेसिव लोगों से आती है। हमारी ट्रेनिंग उन कॉलेजों में हुई जहां पे प्रोग्रेसिव पार्टीज थी, और जो के एक बहुत ही ब्रॉड सोच थी हम लोगों का, और सिखाया गया था कि हमें एक मेंढक नहीं बनना कुएं का, और हमें बड़ी सोच रखनी है, और इस सोच में जो सबसे ज्यादा अहम किरदार था वो तालिबे इल्मों का था और मजदूरों का था। ये तालिबे इल्म और मजदूर किसी भी मुल्क की जान होते हैं, और जितने मूवमेंट्स चली हैं दुनिया में वो हमेशा स्टूडेंट्स और मजदूरों से चली हैं। अब क्योंकि दुनिया बदल गई है, और हमारी सोच ये थी कि मजदूर भी एक वाइट कॉलर हो, उसको वही चीज मिले, उसको वही अहमियत मिले, उसको वही खाना मुयस्सर हो, उसको वही ट्रांसपोर्ट मिले, उसको वही बिजली मिले जो एक आम आदमी को मिलती है, एक अमीर हो या गरीब हो, इसका डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हमारी लीडरशिप की ये हमेशा से ख्वाहिश रही है कि हर आदमी हले और फूले। पता नहीं ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ख्याल कैसे आ गया। एक दिन मैं बैठा हुआ सोच रहा था कि ये तो मेरा घर, मेरा मोहल्ला, मेरा डिस्ट्रिक्ट तबाही की तरफ जा रहा है, और इसको अगर किसी ने बचाया नहीं तो ये काम खराब हो जाएगा और कुछ भी नहीं रहा। मैंने मसरूर एहसन से कांटेक्ट किया, जो थोड़ी बहुत पीपल्स पार्टी के लोग थे उनको जमा किया, क्योंकि आपको किसी भी मुहिम चलाने के लिए चंद लोग चाहिए होते हैं, और फिर वो एक पूरा लोग उसमें जुड़ते जाते हैं, बढ़ता जाता है। तो वो शेर आता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारोबार बढ़ता गया। तो ये सोच के हमने ये काम शुरू किया, हमारे बहुत से मीटिंग्स हुई, हम लोगों से मिले, कई लोगों ने हमारी तंकीद की, हमारी पार्टी के अंदर भी तंकीद की कि ये नहीं हो सकता। और मैं आपको ये बताऊं, आज आपको जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर नजर आ रहा है वो हमें कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिले, अभी वो पैसे आएंगे,
ये वो पैसे हैं जो पिछले दिनों में चोरी हो रहे थे, ये वो पैसे थे जो जमीन पे लग ही नहीं रहे थे, ये वो पैसे थे जो खाए जा रहे थे, ये वो पैसे थे कि जो लोगों की जेबों में जा रहे थे। उनको जब हमने पकड़ा, जब हमने ये फैसला किया कि पहले फेज के अंदर ये पैसा गरीबों पे लगना चाहिए, यहाँ के बासियों पे लगना चाहिए, तो आपको वो नजर आ रहा है जो बचा हुआ पैसा है। अब इसके बाद क्या होगा, हम क्या दिखाएंगे, हम हुकूमत को बताना चाहेंगे, हम पावर्स दैट बी को बताना चाहेंगे कि हम वो पढ़े लिखे लोग हैं कि जो माजी की गलतियों को बुला के एक नई मंजिल की तरफ जा रहे हैं, हम अपने आप को सुधार रहे हैं। इस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर वो लोग रह रहे हैं जो के लुट के आए थे, जिन्होंने पाकिस्तान और कायदे आजम की रोशनी देखी थी और सोचा था कि हम यहां आके एक नए पाकिस्तान का आजाद करेंगे, एक ऐसे पाकिस्तान को ईजाद करेंगे कि जिस पे हिंदू और नेशनलिस्ट हिंदू मुसलमानों पे जुल्म नहीं कर सकते। हम अपने आप को मजबूत करेंगे, हम अपने आप को दुनिया में मनवाएंगे और हम बताएंगे कि वी आर अ फोर्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम डायरेक्शनलेस हो गए। अब हमें अपनी डायरेक्शन ठीक करनी है और हमें सही सिंह की तरफ जाना है। तो पहली चीज जो अभी हम लोगों ने सोची कि जब तक वर्कर खुश नहीं होगा, जब तक मुलाजिम खुश नहीं होगा, तो जब तक काम नहीं बनेगा, क्योंकि ग्राउंड पे वही होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज तो आनी जानी होती है, आज हम है कल कोई और होगा, माजी में कोई और था। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि माजी में क्या हुआ, आज क्या हो रहा है और कल हमें कौन बेनिफिट देगा। तो वर्कर्स रिजेक्टेड थे, वर्कर्स के लिए फिर हमने मेहनत शुरू की और कई काम हमने किए। उनमें से हम जो ओजीटी आती थी उसमें 15% का इजाफा कराया। उस 15% के इजाफा सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंटर को मिला और किसी को नहीं मिला। इस 15% से आज मैं अनाउंस करता हूं कि 15% आप लोगों की सैलरी में इजाफा किया जाएगा। 20% आपको मिल गया है, 15% और मिलेगा और दिसंबर में जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है 10% का, वो भी आपको मिलेगा। आप लोग अब काम करें, मेहनत से काम करें, और जो लोग आप में से पैसा खाते हैं या रिश्वत पकड़ते हैं उनकी निशानदेही करें ताकि उनको हम बंद करें। क्योंकि मेरी एक फिलॉसफी है कि आपको डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया में बायन होना चाहिए, यानी जो खा जाते हैं वो नहीं होना चाहिए ऐसे, बल्कि जो आप टैक्स रेवेन्यू जमा करेंगे उसमें आपको हिस्सेदार होना चाहिए। एक हम परसेंटेज बनाएंगे कि जो टैक्स जमा होता है उसका रेवेन्यू या इंसेंटिव सब वर्कर्स में मिले। तो आप लोगों को ऐसे लोगों का ख्याल करें, क्योंकि वो आपका पेट काट रहा है, अपना पेट भर रहा है और आपका पेट काट रहा है। तो इन लोगों से आप ख्याल करें और इन लोगों से बचें। दूसरी चीज हमने जो की है कि ग्रुप इंश्योरेंस को रिवाइव किया है, जिसकी खुदा न खास्ता कुछ मौत हो जाती है, ड्यूटी या ऑफ ड्यूटी, उसको एक हैंडसम अमाउंट लाइफ इंश्योरेंस का मिलेगा। और ये 60 साल पे ख़त्म नहीं होगा, ये अभी इंश्योरेंस कंपनी ने एग्री किया है 68 पे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ये ताहियात हो एज लॉन्ग एज ही लिव्स और व्हेनेवर ही। इसको कहते हैं ग्रुप इंश्योरेंस।
मैं दूसरा ये भी चाहता हूँ कि जो लोग रिटायर हो उनके जो एरियर्स हैं, उनके जो मुआवजे हैं वो उनको टाइम पे मिल जाएगा। जो चीज टाइम पे नहीं मिलती वो बेकार होती है। तो अब जो लोगों के एरियर्स पड़े हैं वो भी देंगे और आइंदा जो है उनको टाइम पे देंगे। जो तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस। हमने हर फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस ली है जिसमें 200 अस्पताल हैं कराची के अंदर, वो कहीं पे भी जा सकते हैं। 269 हॉस्पिटल्स विल बी अवेलेबल टू यू और इसमें 5 तक की फैमिली का 6 लाख रुपए है एनुअल प्रीमियम के, 6 लाख तक आपका इलाज होगा। और अगर जिसकी बड़ी फैमिली है तो उसको भी 1.5-1.5 लाख रुपए इंक्रीज होता रहेगा पर फैमिली मेंबर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और ये चीज़ ऐसी है जो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही है। आज क्योंकि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं इसी तक रिस्ट्रिक्ट रहूंगा और जो हमने किया उसके लिए तो अलग बात करेंगे। और ये मैं बता दूं, जैसे इसका जिक्र डीसी साहब ने भी किया, वो ये है कि हमने पूरा एचआर सिस्टम, क्योंकि ये हेल्थ देनी है, हमने कंप्यूटराइज कर दिया है। सबका डेटा हमारे पास होगा, हम हाजिरियाँ भी प्रॉपर लगाएंगे, जो घोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी हम हटाएंगे। वो लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये सब आपके फ़ायदे की चीज़ है। और हर काम जो है वो कंप्यूटर से होगा। पेमेंट्स भी हम जो वेंडर्स की या कॉन्ट्रैक्टर्स की पेमेंट है वो भी अब ऑनलाइन डायरेक्ट बैंक में जाएगी। कोई कैश का या चेक का सिस्टम अब ज़िले में नहीं होगा। मैं आप लोगों को कवाली से दूर नहीं रखना चाहता। इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं और आप लोगों को भी सबको बताना होगा कि अपने फ्यूचर का तायुन खुद करें, क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल अपना तायुन ठीक करे और गवर्नमेंट के साथ ठीक रहे और जो गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी इन पावर है उसके साथ चलें तो इसी में हमारा भला है। आपकी 1.5 इंच बनाने से हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। और पीपल्स पार्टी की कमिटमेंट है मेरे साथ, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की कमिटमेंट है कि वो अब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को भूलेंगे नहीं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के वासियों को भूलेंगे नहीं। और मैंने वादा लिया है अपने वर्कर्स से कि कोई बेईमानी में नहीं जाएगा, कोई 2 नंबरी नहीं करेगा, कोई SBCA के साथ नहीं करेगा, कोई छते नहीं डालेगा। हमारे अंदर भी ऐसे लोग हैं, हम उनसे दूर हो रहे हैं, हम सेल्फ क्लेंजिंग करेंगे, आप लोगों की मदद से करेंगे, आप भी हमसे आइडेंटिफाई करें। कोई देर इज़ नो ज़ीरो टॉलरेंस है फॉर एनीथिंग, कोई गलत काम की मेरे आगे तो ज़ीरो टॉलरेंस है। और मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, कमिटमेंट मिल चुकी है और वो हम सबको फ़ायदा होगा, ज़िले को फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा और इसी तरह हम आगे चलते रहेंगे। शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। सेंट्रल पर तवज्जो का मरकज आपने तवज्जो डाली है, सामने आ जाए, जब से आपने डिस्ट्रिक्ट जिला बस्ती में आपने तवज्जो डाली है तो काम तो होते नज़र आ रहे हैं और आप वर्करों को भी काफ़ी खुश कर रहे हैं कि जैसी बातें उनको अनाउंस मिलेंगे। ये बताएगा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अभी भी कई इलाके ऐसे हैं, सड़कें तो बन रही हैं, अंदरूनी गलियाँ बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। अभी काम शुरू किए हुए 6 महीने हुए हैं और एक लिमिटेड फंड्स है हमारे पास। जैसे कि मैंने कहा, जैसे वक्त जाएगा इस साल के अंदर सब पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ठीक हो जाएगा। सर, इससे पहले आपने घोस्ट एम्प्लॉयज़ की बात की, आपने घोस्ट एम्प्लॉयज़ की निशानदेही की बात की,
इससे कबल भी आप जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर आए उन्होंने घोस्ट एम्प्लॉयज की आइडेंटिफिकेशन की मगर उनको एहतजाज का सामना करना पड़ा। नहीं कोई एहतजाज नहीं कोई नहीं होगा, हम निकालेंगे, हम कंप्यूटराइज करेंगे और सिस्टम से निकालेंगे। इसको बोलते हैं वीजा सिस्टम, आधे पैसे ये लोग लेते हैं और आधे पैसे एम्प्लॉय ले जाते हैं, तो ये हमें पता है। लेकिन जब तक कंप्यूटर पे नहीं जाएंगे, जब तक थंब नहीं लगेंगे यहाँ पे, तो मैंने ऐसे भी सुना है कि कोई मर जाता है उसकी जगह दूसरा कंप्यूटर में दाखिल हो जाता है। तो ये सब मसाइल हैं जो कि 20 साल से अटके हुए, अब हम इन पे कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का ये तीसरा टर्म है सूबे में लगातार हुकूमत करते हुए, लेकिन कराची के लोगों को शिकायत है कि उन्हें नज़रअंदाज किया जाता रहा है, तो आप कोई टाइम फ्रेम दे सकते हैं ज़िला वस्ती के लिए बिलखसूस और अहले कराची के लिए बिलुमूम कि कब तक उनको तरक्याती काम का मंजूर? मेरा ख्याल है काम शुरू हो गए, इस दफ़ा कराची को अच्छे पैकेजेस मिले हैं, हम लोग लड़े हैं, जिन लोगों को लड़ना था वो पहले नहीं लड़े। तो कोई बच्चा भी जब तक नहीं रोता तो माँ दूध नहीं पिलाती, तो अब तो यही बात है, अब हम मांगेंगे तो मिलेंगे। आज तक किसी ने मांगे नहीं, जो मांगा अपनी जेब के लिए मांगा। क्या जिला वस्ती की आवाम समझ ले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्तकबिल में क्लीन स्वीप करने जा रही है? ये तो आप बताएंगे, मैं नहीं बता सकता। अरे डॉक्टर साहब, जिस तरह से नजरअंदाज हुआ जिला वस्ती सबसे ज्यादा बलिया थी दौर में भी, लेकिन आपकी तवज्जो के बाद अब कुछ जिला वस्ती के जो मकीन है वो समझेंगे, जो चाहते हैं वो। ये तो सिर्फ 6 महीने का हिसाब है, ये तो 6 महीने का हिसाब है जो आप देख रहे हैं। जब 2-3 साल होंगे फिर मैं आपसे पूछूंगा। इधर के लोग जब इंक्रोचमेंट हटेंगे, चीज़ें गिरेंगी, लोग रोएंगे भी। उसमें हम अबव पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हमें पता है हमारा वोटर बैठा है, हमें पता है किसी इंक्रोचमेंट या दुकान से आप कुर्सियाँ उठा रहे हैं या कुछ उठा रहे हैं, वो हमें गालियाँ दे रहे हैं। लेकिन हमें ये आवाम के लिए करना पड़ेगा। अगर 200 वोट चले जाते हैं कोई नहीं, हमें 400 वोट और मिले। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि 2 एडमिनिस्ट्रेटर तैयार हो गए कराची में, एक जिला बस्ती में और एक दूसरा केएमसी के अंदर, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं तो सोशल वर्क कर रहा हूँ, ना मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, ना मैंने सियासत करनी है, ना मैंने MLA का इलेक्शन लड़ना है, ना मैंने MPA का, ना मैंने कोई सरकारी पोजीशन लेनी है। तो मैं तो, आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, आप भी बन सकते हैं मेरी तरह, आप बन जाएं, आ जाएं मेरे साथ। पिछले 30 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, मूसा कॉलोनी, मुख्तलिफ इलाके आप जाके देखें, बहुत बुरा हाल है पूरे इलाके का। सर, मैंने आपसे जादू की छड़ी आगे जो था काम शुरू हो गया। आप, मैंने आपसे अर्ज किया, जो लोग यहाँ बैठे थे उन्होंने कराची की आवाज़ नहीं उठाई, तो मेरा क्या कसूर है? मुझे मरना था। तारीफ के बारे में बता रहे थे, बाबू से दिए जलाना है और वही कबीला है मेरा, वही घराना है। तो मैं आज सलीम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डॉक्टर आसिम साहब को शेयर दें डीएम सेंटर के। मैं मसूद हसन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि नासिर खान है, नासिर भाई सामने देखें, नासिर भाई सामने, हेल्थ कार्ड डीएमसी सेंट्रल के अफसरान और ये जो सहूलत फराहम की है वो कार्ड जो है वहाँ सलीम साहब और डॉक्टर आसिम साहब जो है ऑफिसर्स में तकसीम कर रहे हैं। अरे नासिर भाई, पूरा फ्रेम आ रहा है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।